सिखा धर्म स्थान के दर्शन कराने लई MRI कराने लई CT स्कैन कराने लई और होर तरह दियां सहायता दे लई पूरी तरह दिल्ली के सिखा सहूलत दे रही थी। उसके बारे मीटिंग सी श्रोमणी कमेटी के सबका मीत प्रधान विरक साहब की चेचा ड्यूटी लाई गई सी। मैं हुण असल गल ते आंदा वां कि कल दिल्ली कमेटी और हिंदुस्तान की सरकार ने रल के सिख कौम के जख्मां ते नूम सिणकिया और जेडे सिख कौम पिछले सवा साल तो जद दी सरकार ने साहबजादियां दा वीर बालक दिवस के नाँ ते इन्हां ने मनाउण दा फैसला कीता सी तद तो सिख कौम वख वख जथेबंदियां श्रोमणी कमेटी अकाल तख्त साहब और असी अकाली दल वालों इन्हां नूं चिट्ठियां लिखते रहे कि तुहाडी सोच ठीक हैगी पर इसका नाँ जिहड़ा हैगा ये साहबजादियां दे दिवस दे मनाना चाहिए। पहली गल तो हैगी कि किसी भी वक्त साहबजादियां नूं बालक नाम दा कदी किसी ने नहीं बुलाया। 300 कितने साल हो गए ने इस इतिहास नूं और ये पहली बार है कि हिंदुस्तान की सरकार ने इसनों वीर बालक रूप देश बनाया है। उस तो वड्डी गल हैगी कि श्री अकाल तख्त साहब ते श्रोमणी कमेटी वालों समुचे सिख जगत नूं एक बेनती की गई सी कि साहबजादियां दा शहीदी दहाड़े साहबजादा दिवस के तौर पर मनाया जाए। इस दे बावजूद अकाल तख्त वालों जित तक सानू पता है कि दिल्ली कमेटी नूं चिट्ठी भी लिखी गई इस मतलब अगों इन्हां दा जवाब यह सी कि क्योंकि सरकार वालों नोटिफिकेशन निकलिया गया इसलिए असी हुण वीर बालक रूप दे विच मनावांगे। मैनू इस गल की समझ नहीं आई सिख कौम के इतिहास के पहली बार होएगा कि इतनी वड्डी धार्मिक संस्था ने अकाल तख्त के हुक्म नूं दरकिनार करके दिल्ली की सरकार का हुक्म मनिया और उन्होंने जिन्हों का शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा साहबजादियां दा उन्होंने शहीद होने तो पहला वजीर खां की कचहरी के विच सब तो पहला अपना पैर अगे रखे विरसे रखे रखण नाल किधरे वजीर खां दे ये ना कहे कि दसम पशा दे साहबजादियां ने मेरे अगे सीर नवाया। उन्हां दे शहीदी दिहाड़े दे उत्ते तुसीं उस दिन आके सरकार की गल मन रहे हो और एक गल मैं बड़ी चेतावनी नाल कह देनी चाहुंदा वां कि इहदे विच गल सामने निकल के आ रही है कि ये साडे इतिहास नूं बदलना चाहते हैं तब्दील करना चाहते हैं जिस दे विच सरकार तो अलावा जिहड़े मुख दोषी होणगे वह सरसा ते कालका हैगे। अज सरसा सिख इतिहास नूं बदलण दी गल कर रहा है कौम मैं समझदा बिल्कुल माफ नहीं करेगी और इन्हां नूं इस गल दी सजा भुगतनी पेगी। सब तो वड्डी गल ये गल मैं बड़े दावे नाल कह सकदा भावें TV दे उत्ते 5,000, 4,000, 3,000 बंदा दिखाया गया है पर मोस्टली वह गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के टीचर और स्कूलों के बच्चे सन। BJP की लीडरशिप जिहड़ी पंजाब तो हरियाणे तो दिल्ली तो आई है उन्हां दी गिणती 200 या 250 मैं नहीं पता मैं तो फोटो देखी है। दिल्ली के सिखां विचों मैं सिर्फ ये कह सकदा कि इन्हां दे मैंबरां दे नाल जिहड़े इन्हां दे बंदे गए उस तो अलावा 2 सिखां दी पार्टिसिपेशन है एक तरलोचन सिंह जिन्हां दे सरकार दे बड़े फायदे माणे होए एक बलबीर सिंह कोहली जिहड़ा सिंह सभा ग्रेटर कैलाश का प्रधान है। इस तो अलावा मैनू ना किसी ने दसिया तो ना ही मैं फोटो देखी हैगी कंप्लीटली दिल्ली के सिखा वालों बाइकाट सी दिल्ली की
भावें ये मैंबर अपने इलाकों चो जिते पर अपने इलाके दे मैंबर की भी ये प्रधान सिख सभावां दी नहीं रिप्रजेंटेशन करा सके। टोटली फेलियर गया, दबे इतने बचे कि मैं सरदार कुलदीप सिंह हुणे कह रहे सन कि रकाबां लिया के बनते पे सन, इत्थों अंदाजा ला लो। और फिर इन्होंने जुलम किया, जिस तरह का जुलम वजीर खान ने छोटे साहबजादों पर किया है, उस ठंड के अज सरसर ते कालके ने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के बच्चों नाल किया, छे छे घंटे उस ठंड बिठाई रखा उन्होंने। इस वास्ते मैं एक बेनती मोदी सरकार नूं बीजेपी की लीडरशिप नूं करनी चाहता, तुहाडी सोच ठीक है पर अमल तुहाडा गलत होया है। तुसी ए जे भद्दा पुरशां ते आ के ना बदली करके ये फंक्शन करोगे, ये फेल हो गया फंक्शन तुहाडा। और अंदे ले भी अगर तुसी फ्यूचर ये फंक्शन करने, ये फंक्शन चार साहबजादियां दा शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाए, साहबजादियां दे शहादत उन्हां दे इतिहास नूं जिहड़े काबल और पास सिख हिस्टोरियन हैगे उन्हां कोलों छपवा के हिंदुस्तान दीआं अलग अलग जबानां दे विच वंडिया जाए। अज एक सज्जन कह रहा सी कि 75 लाख टीचर इस नूं सुन रहे सन, 35 करोड़ स्टूडेंट्स इस नूं सुन रहे सन। मैं कह रहा 35 करोड़ विचों कोई एक अद्धा करोड़ एक 10,000-20,000 बच्चे इत्थे भी लियांदे, तुसी स्टेडियम दे अंदर नहीं किया क्योंकि तुहानू पता सी भी बच्चे नहीं भरन आने। इस वास्ते ये जड़ा इन्होंने समागम किया है, ये सिख कौम का इतिहास विगाड़न लई किया है। और किसी नूं भी सिखां दा इतिहास विगाड़न की असी ताकत नहीं देंगे, नहीं विगाड़न देंगे। और सिखां दा हिंदुस्तान की आजादी च अहम रोल है, और अहम रोल तुसी इन्हां वा इतिहास घटांदा घटांदा उस अहम रोल नूं भी घटाण की गल करो। इतनी गल मैं कीती है, तुसां ने कोई जवाब पुछ सवाल पुछना मैं हो किसे देखो जी, पहली गल तो है, मैं एक गल प्रेस गल करदिआं भुल गया, जिहड़ी चिट्ठी अकाल तख्त साहब दे जथेदार ने लिखी है और जिहड़ा इन्होंने जवाब दिता है, ये मैं गलत कीती है। पर मेरी डिमांड यह हैगी कि इन्हां तों अकाल तख्त ते बुला के इन्हां कोल पुछना चाहिए, तुसी अकाल तख्त दे हुक्म दी उल्लंघना करके हिंदुस्तान दे तख्त दे हुक्म क्यों बनिया। दूसरी गल, साडी पिछले 14 महीने तो सरकार नूं भी असीं चिट्ठियां लिखियां, प्राइम मिनिस्टर साहब नूं, होम मिनिस्टर साहब नूं, होरां नूं, दिल्ली दी बीजेपी दी लीडरशिप नूं वी असीं इह गल्लां कीतियां सन कि जब तुसी साहबजादियां दा शहीदी दिवस मनाना है तो जिस नाम नाल सिखां ने खुश होना तुसी ओह रखण तों क्यों गुरेज करदे हो, इसदा हिडन एजेंडा की है। तो हिडन एजेंडा सामने आ गया, सरसे वर्गिआं नूं जिन्हां दी औकात कारपोरेशन दे पता लग गई सी, उन्हां नूं फिर उच्चा चुकण लई सिख इतिहास नूं बदलण दे लई उन्होंने यह काम किया जिहदा असीं विरोध करदे आ। तुसीं कह रहे हो कि सिख इतिहास नाल छेड़छाड़ जिहड़ी है कीती जा रही है, ना तुसीं इह वी कह रहे हो कि सरकार दी सोच जिहड़ी सही है, ते तुसीं जिहड़ी तुसीं कहे कि इहनां नूं सज़ा वी दित्ती जाएगी, तुसीं इस दा मुख दोषी किस नूं मन्नदे हो, कि सरकार दी दोष सोच विच कोई दोष हैगा या DSGMC दी सोच विच कोई दोष हैगा, ते जिहड़ी तुसीं सज़ा दी गल कर रहे हो ते किस तरीके दी सज़ा तुसीं कह रहे हो कि मिलेगी। बदबख्ती है कि जी कि सरकार दे सलाहकार ओह हन जिन्हां दे सिखां दे इतिहास बारे ABC नहीं आउंदी। अज सरसे वर्गिआं दे सरकार होणगे सरकार दे ते सरकार कोलों गलतियां कराणगे। मैं ये कहा सरकार ने साहबजादियां दा शहीदी दिन मनाउण दा फैसला अच्छा है, पर ना जिहड़ा रख्या गया है वह फैसला समुची सिख कौम ने रद्द कर दिता है।
ये जिस को मर्जी जाके पुछ लैन, इन्हां ढाई टोटड़ां को भी अंदर खाते पुछ लैन, कहणगे जी सरकार ने गलत फैसला लिया। पर क्यों? इन्हां दी जिहड़ी जान है वो इन्हां दे कबूतर कोल है, जिसले चाहन इन्हां दी गिच्ची दबा के बाहर कढ़ सकदे ने। इस वास्ते इन्हां ने सरकारी हुक्म मनने, पंथ दे हुक्म नहीं मनने, अकाल तख्त दे हुक्म नहीं मनने, जिहदी सजा इन्हां नूं मिलेगी हर हाल च। सर, जो मीटिंग आज आपने की है उसमें कुछ डिसीजन लिया गया है सरकार से, कुछ मीटिंग वगैरह करेंगे? सरकार का निर्णय अलग होता है, कमेटी आप मानते हो, कमेटी निर्णय आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन सरकार भी तो कहीं ना कहीं निर्णय ले सकती है। देखिए जी, कोई भी सरकार हो, खास तौर पे मनाटी कमेटी के लिए अगर उन्होंने कोई फैसले करने हैं तो मनाटी कमेटी की रजामंदी से किए जाएं, उनको नज़रअंदाज करके फैसला करने से सरकार का इतना बड़ा जो काम किया वो भी मिट्टी में मिला हुआ है। इससे पहले कहीं निर्णय लिया गया है बैठी कमेटी सरकार की? उसके पे देखो जी, पहले निर्णय धार्मिक पहले ये बात है जी के इसके मतलब हम आपको दर्जन चिट्ठियां दे सकते हैं, दर्जन बीजेपी के लीडर को सामने कर सकते हैं। हमने कहा सोच आपकी अच्छी है पर नाम गलत है। इन साहबजादों के लिए वीर बालक का प्रयोग करना हमारे इतिहास को बिगाड़ने की बात है। सर, कल प्रवेश वर्मा ने वीर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। यार गल सुन, मैं ना जेड़ा बंदा ये सारे काम करने विच सरसे की मदद कर रहा है उसकी किसे गल का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता। कल जो वीर बाल दिवस मनाया गया सेंटर गवर्नमेंट वालों, सेंटर गवर्नमेंट ने वैसे यह उपराला अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उन्होंने चाहिए कि साढ़े सिखा की सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहब है तो उन्होंने कंसेंट करके उन्होंने कंसल्ट करके अच्छे तरीके दिन में मनाना चाहिए सी, क्योंकि अकाल तख्त साहब तो जी लैटर आई सी उन्होंने कहा कि यदा नाम होना चाहिए साहिबजादे शहादत दिवस, तो साड़ी सिरमौर संस्था श्री अकाल तख्त साहब है, आप सारे सिख उन्होंने अपनी सर्वोच्च जिन्हें सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, तो इस करके दिल्ली कमेटी वाले भी यह चाहिए सी कि अपना प्रैशर बनाते और सरकार को नाम चेंज करवाते, क्योंकि सरकार नाम चेंज होना चाहिए क्योंकि साहबजादे बाल नहीं सन, क्योंकि उन्होंने जो शहादत दित्तियां तो वह वड्डे वड्डे भी कंब जाते हैं, तो वह छोटे बच्चे होकर 7-9 साल की उम्र होकर उन्नीस चुनाए गए, उन्होंने धर्म नहीं छड़िया, ईन नहीं मनी, तो इतों देख के जे सारे सिखा में इको ही रोष है कि वैसे तो सरकार ने मनाया गजट आया बहुत अच्छी गल है, पर नाम अगर आ जाता साहिबजादे शहादत दिवस तो ये सारे सिख खुश होंगे और कल उ सिख ही सिख होंगे उस प्रोग्राम के अगर आ नाम चेंज होया हों, तो इस करके दिल्ली कमेटी के जिन्हें प्रबंधक ने उन्होंने सोचना चाहिए सी कि वह अगर चाहते, क्योंकि उन्होंने सहयोग न सारा प्रोग्राम आया, क्योंकि साढ़े GHPS के बच्चे से साढ़े कॉलेजों के बच्चे उत्थे गए हैं जिन्होंने परेड की है और सब कुछ उन्होंने प्रोग्राम उलीकिया कीर्तन किया, अगर आ थोड़ा प्रेशर पाते कि नाम चेंज हो तो गजट च नाम चेंज होता तो साढ़े सिखा वास्ते बड़ी मान की गल हों। मैं पढ़िया सारा उन्होंने नाम नहीं दिता सी, मनजीत सिंह जी के और सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह दिन मनाना चाहिए सरकार नूं, लेकिन उस नाम उपर कोई गल नहीं हुई कि वीर बाल दिवस नाम होना चाहिए। बीजेपी के लीडर कल कह रहे सी अकाली दल वालों मांग आई सी। नहीं, लेकिन मैं पढ़िया है, मैं न्यूज़ पढ़ी उन्होंने, मैं वर्जन भी पढ़िया है, उन्होंने कोई नाम नहीं कहा, उन्होंने कहा कि दिन मनाना चाहिए सरकार को, क्योंकि सानू खुशी होगी कि साडा इतिहास घर घर पहुंचे, लेकिन जो घर घर नहीं पहुँच रहा इतिहास तो घर घर पहुँचेगा सानू अच्छा लगेगा, बस एक नाम का सी कि नाम अच्छा होंदा और श्री अकाल तख्त साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल लिया जाता तो वो जो प्रोग्राम